हाउ आर यू फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज अपन बनाने चलते हैं दही वाली हरी मिर्ची, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जो आप एक बार खाओगे तो बार बार यही बनाने का इसका मन करेगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए मैंने हरी मिर्ची ले रखी थी, आधा 8-10 मिर्ची ले रखी थी, और इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, धो के इसे दो पीस में काट लिया था। मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें थोड़ा सा राई वगैरह ड्राई डाला, इसमें जो मिर्ची मैंने काट रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया था। नमक भी डाल, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक भी इसमें ऐड कर दिया। अच्छे से इसे अब मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, और ये मिर्ची खाने में इतनी अच्छी लगती है कि आप इसको पराठे से बड़ी सी आराम से खा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने अमचूर भी ऐड करा था, और अच्छे से सारापन मिक्स कर लेंगे इसे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छा कलर वगैरह भी कितना अच्छा आ रहा है इसका। अब इसमें ये मैंने दही ले रखा था, एक छोटा बाउल दही ले रखा था, इसको मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारा मिर्ची को मिक्स कर लेते हैं। ये मिर्ची, दही वाली मिर्ची खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, और बहुत जल्दी बनकर ये रेडी हो जाती है। 5 या 10 मिनट में ये 5-10 मिनट तो बहुत हो गए, बल्कि ये 5 मिनट में ये मिर्ची बनके रेडी हो जाती है। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं, आप चाहे पराठे से खाइए, पूड़ी से खाइए, काफ़ी अच्छी लगने वाली है आपको ये मिर्ची। आप ये देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में भी, काफ़ी मेरा तो इतना अच्छा मन हो रहा है खाने का इसका। थैंक यू फ्रेंड्स।